नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। विकास दुबे की 10 जुलाई की सुबह पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। अब तक इस पूरे मामले में पुलिस ने विकास दुबे समेत 6 लोगों को मार दिया है। इस पूरे मामले में जो भी डिटेल्स आई वो पुलिस के हवाले से ही आई। पुलिस ने विकास दुबे गैंग के कथित सदस्यों के बारे में जो कहानी बताई है वो यूं है। पहले बात करते हैं प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे की। इनका एनकाउंटर का दिन था 3 जुलाई। प्रेम प्रकाश पांडे रिश्ते में विकास दुबे का मामा लगता था। सूत्रों के हवाले से आ रही खबर की माने तो विकास ने गिरफ्तारी के बाद बताया था कि बिकरू गांव में हुई घटना के समय उसके मामा प्रेम प्रकाश के ही घर में सीओ देवेंद्र को मारा गया था। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने इलाके की छानबीन शुरू की। विकास और उसके कई साथी भागकर दूसरे ठिकानों की ओर जा चुके थे, लेकिन पुलिस के अनुसार प्रेम प्रकाश और अतुल बिकरू गांव के जंगल में ही छिपे हुए थे, हथियार से लैस थे। पुलिस ने घेरा और दोनों ओर से फायरिंग शुरू हुई। खबरों की माने तो प्रेम प्रकाश को 3 गोलियां लगी और अतुल को 9। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। अब बात करते हैं अमर दुबे के एनकाउंटर की, जो कि 8 जुलाई को हुआ। अमर दुबे विकास दुबे का खास था। उस पर दबाव बनाने के लिए पहले ही उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया था। इधर कानपुर से निकलकर अमर दुबे पहुंच चुका था हमीरपुर के मदोहा गांव में। एसटीएफ के दावों की माने तो विकास दुबे और घटना के बारे में बहुत सारी जानकारी अमर दुबे के पास थी, इसलिए एसटीएफ उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी। 6 जुलाई की सुबह एसटीएफ पहुंची मदोहा, घेरबंदी की। दावे करते हैं कि अमर दुबे से सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन अमर दुबे ने सरेंडर करने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। अमर दुबे मारा गया और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर हुआ था 9 जुलाई को। विकास दुबे के कथित सहयोगी प्रभात मिश्रा को एक दिन पहले यानी कि 8 जुलाई को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इसी दिन फरीदाबाद कोर्ट से यूपीएसटीएफ को ट्रांजिट रिमांड मिला। एसटीएफ प्रभात मिश्रा को लेकर कानपुर चल पड़ी। 9 जुलाई की भोर में कानपुर दाखिल हुई यूपी पुलिस। पंकी थाना क्षेत्र के पास ही वैन का टायर पंक्चर हो गया। पुलिस के अनुसार जब पंक्चर बनाया जा रहा था उस समय प्रभात ने पुलिस की पिस्टल छीन ली और फायरिंग कर दी। भागने की कोशिश की, आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की, प्रभात मारा गया। रणबीर उर्फ बउआ शुक्ला का एनकाउंटर हुआ था 9 जुलाई को। इटावा में हुआ था बउआ का कथित एनकाउंटर और इटावा पुलिस के मुताबिक उन्हें एक कार चोरी की सूचना मिली थी। पुलिस के मुताबिक इसे 9 जुलाई की ही सुबह बकेवर इलाके के महेवा कस्बे के पास से बउआ और उसके साथियों ने लूटा था। चेकिंग के दौरान सिविल लाइन इलाके पर पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बउआ मारा गया जबकि उसके साथी भाग गए। कल मध्य प्रदेश पुलिस से पूछताछ में विकास दुबे ने बउआ का नाम लिया था। बताया था कि बउआ के घर से ही 2-3 जुलाई की रात पुलिस पर सबसे ज्यादा फायरिंग हुई थी। साथ ही सीओ देवेंद्र मिश्र का पैर भी बउआ ने ही किसी धारदार हथियार से काट दिया था। अब बारी आती है विकास दुबे एनकाउंटर की, जो कि 10 जुलाई को हुआ। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे को यूपीएसटीएफ उज्जैन से लेकर कानपुर आ रही थी। विकास को एक दिन पहले उज्जैन में गिरफ्तार किया गया था। कानपुर की सीमा में घुसने के थोड़ी देर बाद ही विकास दुबे को लेकर आ रही गाड़ी TUV 300 पलट गई। पुलिस का कहना है कि विकास दुबे ने मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। घायल पुलिसकर्मियों और एसटीएफ के जवानों की पिस्तल लेकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने विकास को पास के ही खेत में रोकने की कोशिश की। विकास दुबे ने फायरिंग कर दी। एसटीएफ ने भी जवाबी फायरिंग की। इस फायरिंग में विकास दुबे को कई गोलियां लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सिद्धांत ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।